हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और गिज्मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस और गिव अवेज की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्वागत है आपका गिज्मो इंडिया में और आप देख रहे हैं टॉप 5 मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड, जहां हम आपको बताएंगे इस महीने यानी जून के महीने में वो कौन से 5 स्मार्टफोन्स हैं जिसने बाकी सारे स्मार्टफोन्स को बीट करके खुद की पोजीशन बनाई है टॉप 5 स्पॉट पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस महीने जो स्मार्टफोन 5th रैंक में है वो है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा 5G एक्सिनोस 990 प्रोसेसर 12GB 128GB वेरिएंट। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा 5G 5th पोजीशन में है 519,975 एंटूटू स्कोर्स के साथ और ये स्मार्टफोन सैमसंग का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा 5G में दिया गया है 6.9 इंच क्वाड HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 5000mAh की बैटरी, 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 40 मेगापिक्सल का पंचुअल सेल्फी कैमरा और ये स्मार्टफोन आता है एक्सिनोस 990 प्रोसेसर के साथ। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा 5G फिलहाल तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बाकी कंट्रीज में अवेलेबल है जहां इसकी प्राइस है $1,150, जिसका मतलब ये स्मार्टफोन की प्राइस है लगभग 90,000 रुपीस। इस महीने जो स्मार्टफोन 4th रैंक में है वो है Xiaomi Mi 10 Snapdragon 865 8GB RAM with 256GB variant। Xiaomi Mi 10 4th पोजीशन में है 574,229 एंटूटू स्कोर्स के साथ और ये स्मार्टफोन Xiaomi का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है लेकिन सबसे पावरफुल स्मार्टफोन नहीं है। Xiaomi Mi 10 भी एक 5G स्मार्टफोन है और इसमें दिया गया है 6.67 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 4780mAh की बैटरी, 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 20 मेगापिक्सल का पंचहोल सेल्फी कैमरा और ये स्मार्टफोन आता है Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ। Xiaomi Mi 10 5G इंडिया में अवेलेबल है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में है 49,999 रुपीस। इस महीने जो स्मार्टफोन 3rd पोजीशन में है वो है OnePlus 8 Pro Snapdragon 865 12GB RAM with 256GB variant। OnePlus 8 Pro 3rd पोजीशन में है 581,794 N22 स्कोर्स के साथ और ये स्मार्टफोन OnePlus का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है। OnePlus 8 Pro भी एक 5G स्मार्टफोन है और इसमें दिया गया है 6.78 इंच क्वाड HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 4510mAh की बैटरी, 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का पंचुअल सेल्फी कैमरा। यह स्मार्टफोन आता है Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ और यह स्मार्टफोन इंडिया में अवेलेबल है जिसकी इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस है 54,999 रुपीस। इस महीने जो स्मार्टफोन 2nd रैंक में है वो है Redmi K30 Pro Snapdragon 865 प्रोसेसर 6GB RAM with 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट। Redmi K30 Pro 2nd रैंक में है 586,004 एंटूटू स्कोर्स के साथ। Redmi K30 Pro Redmi का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन भी 5G स्मार्टफोन है। Redmi K30 Pro में दिया गया है 6.67 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 4700mAh की बैटरी, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। ये स्मार्टफोन आता है Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ और ये स्मार्टफोन फिलहाल तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये स्मार्टफोन जब इंडिया में अवेलेबल होगा तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस हो सकती है 35,000 से 40,000 के आसपास। इससे पहले हम आपको सबसे पावरफुल स्मार्टफोन के बारे में बताएं, एक बार रिकैप देख लेते हैं। 5th पोजीशन में है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा 5G 519,975 एंटूटू स्कोर्स के साथ। 4th रैंक में है Xiaomi Mi 10 5G 574,229 एंटूटू स्कोर्स के साथ। 3rd रैंक में है OnePlus 8 Pro 581,794 एंटूटू स्कोर्स के साथ और 2nd रैंक में है Redmi K30 Pro 586,004 एंटूटू स्कोर्स के साथ। और जो स्मार्टफोन सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है और 1st रैंक में है वो है Xiaomi Mi 10 Pro Snapdragon 865 प्रोसेसर 8GB RAM with 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट। Xiaomi Mi 10 Pro 1st रैंक में है 590,838 एंटूटू स्कोर्स के साथ और यह स्मार्टफोन Xiaomi का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है जिसमें दिया गया है 6.67 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 4500mAh की बैटरी, 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 20 मेगापिक्सल का पंचुअल सेल्फी कैमरा। यह स्मार्टफोन चलता है Snapdragon 865 प्रोसेसर में और यह स्मार्टफोन फिलहाल तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बाकी कंट्रीज में अवेलेबल है जहां इसकी स्टार्टिंग प्राइस है $840, जिसे अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा कुछ 65,000 रुपीस। तो यही थे टॉप 5 मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड जून के महीने में। ये लिस्ट परमानेंट नहीं है, रोज नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं और ये लिस्ट रोज चेंज होते रहती है। अगले महीने ये लिस्ट चेंज भी हो सकती है, कोई और स्मार्टफोन्स भी हो सकते हैं टॉप 5 स्पॉट पे। तो आपको इन 5 स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे home, stay safe.